Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss some important expected question from the unit 3, that is social work with individuals and the group. So yahan se hum discuss karenge kuch mahatvapurna question jo ki exam ke liye bahut hi important ho sakte hain aur bahut sare question jo hai aise question jo repeat hote hain un sabhi ko bhi discuss kiya jayega is video ke madhyam se. So isme 11 10 question hai, unko sabhi ko aapko solve karna hai aur batana hai aapke kitne isme se sahi ho rahe hain comment box mein. So let's start the first question. Choose the correct sequence of the following in the social casework practice. Social casework क्या है? Social casework is the method that is used by the social worker in a different setting. Basically, this is for the this talk about the individuals correction or the improvement in their functioning. So this method used by the social worker. सो इन दिस सोशल वर्क प्रैक्टिस तो आपको बताने कौन कौन सी सिक्वेंस है. दिस द फोर ऑप्शन गिवन बिलो, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस. ऑप्शन सेकंड दैट इज प्लेस, पर्सन, प्रॉब्लम, प्रोसेस एंड पर्सन प्रॉब्लम. ये चारों है आपको बताने कौन सा सही है. सो सोशल अगर बात करें आपको बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा. सो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस. सो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो दिस सिक्वेंस एंड दिस अबाउट दिस एलिमेंट गिवन बाय द सोशल इन द सोशल केस वर्क बाय द पर्लमैन. पर्लमैन के बारे में आपने नाम सुना ही होगा. इन्हीं के द्वारा ये 5 टर्म दी गई थी. इसको 5P थ्योरी बोला जाता है. ओके, यहाँ पर 5 टर्म है, यहाँ पर 4 ही दी गई. सो बेसिकली 4 दी गई तो 4 को सिक्वेंस में लगाना है, बट इनके द्वारा 5 दी गई थी. द फर्स्ट वन दैट इज द पर्सन, सेकेंड प्रॉब्लम एंड थर्ड वन दैट इज द प्लेस एंड फोर्थ वन दैट इज रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सोशल वर्कर, एंड फाइव दैट इज द प्रोसेस. सो ये 5 टर्म, 5 थ्योरी, ये 5 इनके द्वारा दी गई थी पर्लमैन के द्वारा. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस. ये बेसिकली सिक्वेंस में निकालना था. इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था एक टर्म कि आप पर्सन विथ अ प्रॉब्लम कम टू द प्लेस वेयर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव हेल्प हिम बाय गिवन प्रोसेस. तो इसमें देख लीजिए, पर्सन किया है, प्रॉब्लम दी गई है एंड आपका प्लेस है रिप्रेजेंटेटिव एट द प्रोसेस. तो ये 5 टर्म है जो कि पर्लमैन द्वारा दी गई थी. सो इसका सी ऑप्शन सही होगा. आप देख लीजिए आपका कौन सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क. सोशल केस वर्क का इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है. सो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना. केस वर्क लिखा है, ग्रुप वर्क लिखा है या सिंपल वर्क लिखा है या और कुछ लिखा है, तो आपको हमेशा इसको देखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे. सो आप बताइए इनमें से कौन सा सामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है, विच इज़ नॉट, कौन सा नहीं है. ओके, एंड क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर नॉट लिखा है उसको आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्योंकि हो सकता है कभी आप नॉट को मिस कर दें और आप इसमें से सही आंसर हो रहा हो आप गलत करके आ जाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑल्सो इसको सही से पढ़ना होता है क्वेश्चन को. सो देयर इज द फोर ऑप्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस. सो आप बताइए सोशल केस वर्क इसमें से कौन सा सही होगा, विच इज नॉट द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है. ये किसका है, ये आपका है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं. इसको अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसका. सो इसके जो सोशल केस वर्क के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये तीनों सही हैं. इसमें आपको जैसे बता दें इंडिविजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसके अलावा एक्सेप्टेंस भी है. इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि जो भी पर्सन है जिसकी जिससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके द्वारा बताई गई बात है, दैट शुड बी प्रिजर्व, दैट शुड बी मतलब उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, प्राइवेसी उसकी रखनी, राइट टू प्राइवेसी इज देयर. एंड इंडिविजुअलाइजेशन मतलब होता है हर एक इंसान के एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अपनी, उसकी खुद की ट्रेड्स होती हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोशल वर्कर को
एंड एक्सेप्टेंस मीन्स होता है कि सोशल जो क्लाइंट है, जो पर्सन है जो कि हेल्प के लिए आया हुआ है, तो उसको उसी के रूप में एक्सेप्ट करना, जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना, उसको ही एक्सेप्टेंस कहलाता है। सो यहाँ पर उसके द्वारा और भी कुछ है, यहाँ पर केस वर्क के प्रिंसिपल, इंडिविजुअलाइजेशन हो गया आपका, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ इमोशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके लिख लीजिए, एक्सेप्टेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें लिखाई है, तो ये सभी जो है प्रिंसिपल है। सो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ये इसका पार्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क, यही फिर दोबारा आ गया। आप बताइए इनमें से कौन सा किसके सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल है। आप ये आपको हमेशा याद रखना है, सोशल केस वर्क, ओके, और सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के आपके प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो आप बताइए इसका कौन सा सही होगा, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड इंडिविजुअलाइजेशन। वो तो अभी मैंने आपको बताया है कि क्या था, आज इसका आंसर क्या था, बताइए। ये तीनों के तीनों अभी मैंने डिस्कस किए थे, बट इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हमेशा ही क्लाइंट के अंदर आता है, मतलब क्लाइंट ही डिसाइड करेगा वो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम, उसके लिए जो सही है जो गलत है वो खुद डिसाइड करेगा। यहाँ केस वर्कर केवल गाइड करेगा, उसको इनकरेज करेगा, ना कि ज्वाइंट डिसीजन लेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 तो जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग दिस सोशल केस वर्क स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं आपको पता होनी चाहिए। सो स्टडी मेक सोशल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, टर्मिनेशन, इवेल्युएशन, ये चारों को आपको यहाँ पर सफल करके दिया गया है, आपको करेक्ट वाला बताना है कौन सा सही होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया, बताइए कौन सा सही है इसका। सो सोशल केस वर्क की प्रोसेस अगर बात करें, आप आंसर इसका बता दीजिए क्या होगा, और इसमें से जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल केस वर्क प्रोसेस की, सबसे पहले होता है इनटेक। इनटेक मतलब होता है कि जो पेशेंट है, जो जो भी क्लाइंट है, उसको उसमें एडमिशन एडमिट करना, उसकी जो समस्या है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ उसकी रिपोर्ट बिल्डिंग करना, उससे बातचीत करना, इनिशियल स्टेज होती है, ओके। उसके बाद होती है स्टडी, स्टडी मतलब होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको असेस करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लोर करना, एंड दी सोशल डायग्नोसिस, एंड उसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, उसको इंटरवीन करना, इसका मतलब होता है एवेल्यूएशन, मतलब जो भी आपने इंटरवीन किया, जो एक्शन लिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको फिर आप एवेल्यूएट करके देखते हैं कि आपका क्या रिजल्ट जो है पॉजिटिव है कि नहीं है। इफ़ द रिजल्ट इज पॉजिटिव देन यू टर्मिनेट द प्रोसेस, और अगर आप ये प्रोसेस आपका जो एवेल्यूएशन पॉजिटिव नहीं आया देन आपको दोबारा ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आपको लगाना है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसेप्टेंस एंड चैनल, और इसको यहाँ पर सफल करके दिया गया है, चारों चारों टर्म को यहाँ आगे पीछे करके दिया है, बताइए कौन सा सही होगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में आपको दिखेगा कम्युनिकेशन के बारे में, तो इसका ये जो चार्ट होता है आपको पता होना चाहिए चार्ट के बारे में। जैसे कि पहले क्या होता है, यहाँ सेंडर होता है, और यहाँ एनकोडर लगा होता है, एनकोडर मतलब जो आपकी जो कम्युनिकेशन जो भी मैसेज है उसको कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मीडियम जो चैनल होता है, चैनल के माध्यम से ही डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ से वहाँ, या आपकी इन्फॉर्मेशन है जो भी डेटा है, उसके बाद यहाँ पर डिकोडर लगा होता है, डिकोडर डिकोड करता है तो मैसेज को दोबारा, और जो रिसीवर होता है रिसीवर तक पहुँच जाता है। इसमें बीच में नॉइस भी आ सकती है कभी कभी, ओके, और ये यहाँ से और ऊपर यहाँ पर फीडबैक होगा, फीडबैक के माध्यम से दोबारा पता चल जाता है कि बात जो जो मैसेज भेजा गया था वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा। जैसे व्हाट्सएप पर होता है जो दो दो टिक लगे होते हैं, वो ऐसे फीडबैक का ही काम करते हैं, एक्नोलेज करते हैं कि आपका मैसेज पहुँच गया है, अगर ग्रीन डंडी हो गई तो,
तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले एनकोडिंग आएगी, उसके बाद फिर डिकोडिंग नहीं आ सकती ना। अभी तो पहुंचेगा मैसेज, पहले एनकोडिंग, फिर उसका चैनल, फिर रिसिपिएंट, फिर उसके बाद यहाँ डिकोडिंग। तो कौन सा आंसर होगा इसका बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। और एक इस क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द कॉन्टैक्ट फेज ऑफ द कॉम्पटन एंड दी गला बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। सो इनके द्वारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया गया था, तो आपको बताना है उसमें जो कौन कौन से सीक्वेंस, कौन कौन से स्टेप्स थे, उसको आपको सीक्वेंस में बेसिकली लगाना है, ये पूछा गया है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, गोल आइडेंटिफिकेशन। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन है, आप पढ़िए इनको, बताइए कौन सा सही है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा इसमें। देखिए इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब तक प्रॉब्लम आपको पता नहीं होगी उसको आप एक्सप्लोर कैसे करेंगे, तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता। गोल आइडेंटिफाई तब करेंगे ना आपके पास जब समस्या, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगी तभी तो आप गोल बनाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो आप पहले डायरेक्ट गोल कैसे बना सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन एंड गोल, गोल गोल तो पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे ना एक्सप्लोर करने से पहले, तो गोल पहले आएगा, एक्सप्लोरेशन बाद में आएगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो भी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना, समझना। और उसके बाद आता है इसका गोल आइडेंटिफिकेशन, गोल मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी बिजनेस बेस्ड ऑन दी जो भी नीड है क्लाइंट की और उसके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसके अनुसार गोल बनाना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल। एंड नेक्स्ट दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी एजेंसी के रोल है जिसके माध्यम से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे उसका क्लैरिफाई करना, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है कि क्लाइंट के जो भी कैपेसिटी है उसको मोटिवेट करना, अंडरस्टैंड करना, उसके जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको असेस करना, ये आता है एक्सप्लोरेशन में। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच, यहाँ कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। फंक्शनल मॉडल, जेसेप टॉफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल एच एच पर्लमैन, क्लास सेंटर मॉडल कार्ल्स रोजर एंड दी रियलिटी थेरेपी मॉडल गिवन बाय दी विलियम जे रीड। सो इसमें कौन सा सही है आपको बताइए। सो ये तो आपको पता ही होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल गिवन बाय दी एच एच पर्लमैन करेक्ट है, एंड इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आल्सो गिवन बाय दी कार्ल्स रोजर्स, ये भी आपको पता ही होगा, इन ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया था। एंड दी फंक्शनल मॉडल आल्सो गिवन बाय दी जोसेफ टॉफ, मतलब इनका भी इसमें योगदान है, उसके अलावा और भी लोगों ने फंक्शनल मॉडल दिया है जैसे कि ऑटो रैंक है, इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। सो आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से जो थिंकर हैं इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया किसी मॉडल किसी थेरेपी में, तो उनका नाम भी रहता है। और जो रियलिटी थेरेपी मॉडल इसमें दिया गया है विलियम जे रीड के द्वारा, तो ये गलत है, ये किसके दिया गया था, विलियम ग्लेसर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा इसको डेवलप किया गया था आइडिया, ये जो रियलिटी थेरेपी का मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, यहाँ पर ग्रुप वर्क की बात की है, ये कौन से मॉडल नहीं है ग्रुप वर्क के। सो सोशल गोल मॉडल, रेमेडियल मॉडल, फंक्शनल मॉडल एंड रेसिप्रोकल मॉडल। सो आपको बताइए इसमें से कौन सा मॉडल नहीं है। सो होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी नहीं सी होगा। सो ये इसके अलावा 3 सही है, इनके द्वारा जो मॉडल, ये बेसिकली सोशल ग्रुप वर्क में जो मॉडल है उनका नाम आपको बताए थे, लिस्ट है सोशल, आपका पहला तो इसमें दिया है सोशल गोल मॉडल, ओके सही दिया है, उसके अलावा अब है रेमेडियल मॉडल, रेसी प्रोकोड मॉडल दिया है, रेसी प्रोकोड मॉडल इसको मेडिएटिंग मॉडल बोलते हैं, मेडिएट करना, एंड इनटेक, इनटेक भी है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल भी है, और साइकोथेरेपी
मॉडल है और डेवलपमेंट मॉडल है, ये मॉडल दिए गए हैं सोशल ग्रुप वर्क में। तो ये आपका इसमें फंक्शनल मॉडल इज नॉट पार्ट ऑफ द मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जितने भी ये आपके आंसर सही होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, इनमें कौन से जो है सोशल ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड दी इवेलुएशन। सो कौन से सही है आप बताइए। सो द राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए पहले आप, चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसके सभी के सभी सही है। सो पहले देख लेते हैं ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में आपने सुना होगा, एच पी ट्रैकर का नाम सुना होगा और डगलस, इनके द्वारा दिए गए थे प्रिंसिपल कुछ, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ग्रुप फॉर्मेशन, ओके, एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड दी पर्पजफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप। मैं बोलता जाता हूँ आप लिख लेना, इसमें सही से चल नहीं रहा है। कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन ये भी इसमें सही है, ग्रुप इंट्रैक्शन होना चाहिए, गाइडेड गाइडेड ग्रुप इंट्रैक्शन, इसके अलावा डेमोक्रेटिक्स वो बोल सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो होना चाहिए, जो मतलब जो क्लाइंट है उस दे क्लाइंट हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब उसको अधिकार है कि वो उसके लिए अपने लिए जो राइट डिसीजन है वो ले सके, क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसाइड कर सके। एंड इसके अलावा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नेक्स्ट आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, तो ये भी इसमें सभी की सभी दिख रहे हैं, एवेल्यूएशन भी सही है। सो इस चारों के चारों जो ऑप्शन होंगे करेक्ट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए आप कौन सा इसमें सही होगा, पढ़ लीजिए। तो 5 स्टेजेस जो यहाँ पर स्टेजेस दी गई हैं, चारों पांचों नहीं है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। मैं बोल देता हूँ, ये नॉर्मिंग है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, इन सभी जो 5 स्टेजेस थे किसके द्वारा दी गई थी आपको बेसिकली ये बताना है। पढ़ के आप बताइए कौन सा सही होगा आंसर, जब तक मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, बताइए कौन सा करेक्ट है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये है, ट्यूकमैन के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा 5 स्टेज दी गई थी ग्रुप डेवलपमेंट की। द फर्स्ट वन दैट इज दी फॉर्मिंग, उसके बाद आता है आपका स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड दी एडजॉर्मिंग, इसको मॉर्मिंग बोलते हैं, मॉर्मिंग। इसको देखो फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग पहली स्टेज है, यहाँ पर जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रुप का विकास कैसे होगा, मतलब ग्रुप बनता कैसे है, जैसे चार लोग होंगे, चार लोग आएंगे मिलेंगे बात करेंगे, ये इनिशियल स्टेज होती है, यहाँ से ग्रुप बनना स्टार्ट होता है। स्टॉर्मिंग मतलब होता है कि देखिए चार लोग हैं ग्रुप में, चार हों या 10 लोग जितने भी हों, सबके अपने अपने ओपिनियन है, अपने थॉट ऑफ माइंड जो भी है, सो अलग अलग हो सकता है विचार, कन्फ्लिक्ट हो सकता है उनके बीच में, क्योंकि एवरीबडी हैव देयर वन थॉट ऑफ प्रोसेस एंड थॉट ऑफ माइंड एंड उनके अपने अपने विचार हैं। सो दैट इज द स्टेज मैन द कन्फ्लिक्ट अराइज, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसका नॉर्मिंग, नॉर्मिंग मतलब होता है कि वो अपनी जो कन्फ्लिक्ट है उसको एक साइड में रख के एक दूसरे की बात सुन के एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैन गोल, मैन ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं कि ग्रुप बन जाए, बस उसके आगे उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, तो सब लोग एक साथ मिलकर के आते हैं, तो वो नॉर्मिंग कहलाता है। नॉर्मिंग मतलब होता है कि परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो, और मतलब परफॉर्म करने से पहले एक ऐसी अवस्था जहाँ पर सब लोग डिफरेंट जो कंसेंसस होते हैं उनको एक एक तरफ करके आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म मतलब होता है कि परफॉर्म करना, जो भी एक्शन दिया गया है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको परफॉर्म करना है। एडजॉर्म मतलब होता है कि अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, इफ़ यू कंप्लीट सक्सेसफुल योर ऑब्जेक्टिव देन दिस द लास्ट स्टेज, एडजॉर्म मतलब होता है खत्म करना, टर्मिनेशन। तो ये 5 स्टेज दी गई थी किसके द्वारा, ट्यूकमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है आपको बताना है, पढ़ लीजिए इसको। ओरिएंटेशन, नेगोशिएशन, रेजिस्टेंस, इंटीमेसी, टर्मिनेशन, सबका यहाँ पर हिंदी में दिया गया, पढ़ लीजिए। और यहाँ पर ये बताना है कि क्लेन के द्वारा जो दिए गए थे, वैसे बहुत सारे थिंकर के द्वारा दिए गए, उनका आपको मैं एक स्नैपशॉट दे दूंगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा। क्लेन के द्वारा दिए गए थे कौन सा करेक्ट आंसर है, आई होप आपने सोच लिया होगा।
देखिए, एक तो तरीका होता है एलिमिनेट करने का, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होता है। शब्द में टर्मिनेशन दिया लास्ट में, यहाँ पे इंटीमेसी भी दिया है। ओके, अब आता है रेजिस्टेंस, ओरिएंटेशन, नेगोशिएशन एंड ओरिएंटेशन। सो आप इसमें से कौन सा सही हो सकता है बताइए। देखिए, जो रेजिस्टेंस है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तो सबसे पहले आएगा ना, कोई भी काम होता है तो ओरिएंटेशन ही पहला स्टेज होता है। तो जहाँ जहाँ ओरिएंटेशन दिया उसको काट दीजिए आप, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। अब आइए रेजिस्टेंस और नेगोशिएशन। सो आप इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। देखिए, नेगोशिएशन बाद में आएंगी, रेजिस्टेंस पहले आएगा, ओरिएंटेशन दोनों में है। और सो इसमें जो आएगा आपका नेगोशिएशन पहले आ जाएगा, और ये है रेजिस्टेंस पहले आएगा, नेगोशिएशन बाद में आएगा। सो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो ये दिया गया था किसके द्वारा? क्लेन के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पाँचों के पाँचों जो स्टेज है, इसके अलावा यहाँ पर दी गई हैं सबकी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए। और इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी मैंने आपको क्लन के बारे में बताया, हो सकता है कि ट्रकमैन के द्वारा जो मैंने बताई वो भी आ जाए एग्जाम में, या फिर ट्रैकर के द्वारा दी गई थी उनके, तो कोई भी आ सकता है। तो सबको आपके पास पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर द बेस्ट एसोसिएटेड विद द मॉडल्स सोशल ग्रुप गोल रेमेडियल एंड द रेसिप्रोकल ऑफ सोशल ग्रुप वन। आपको बताइए, आप चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा थिंकर है जो कि एसोसिएटेड है इससे, डिफरेंट जो मॉडल गोल्स दिए गए हैं, रेमेडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सो चार ऑप्शन में कौन सा सही है? गैसेला कोनपका एंड टोसलैंड एंड रिबास, पेपल एंड रोथमैन एंड ग्लेजर एंड दी मेयाडा। सो राइट आंसर विल बी, आप बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ जब बात करें हम सोशल ग्रुप वर्क की, तो उसके द्वारा मॉडल दिए गए थे रोथमैन एंड पेबल के द्वारा। सो ये ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी जितने रेसिप्रोकल मॉडल है या रेमेडियल मॉडल है, सोशल ग्रुप मॉडल, ये सभी के सभी सोशल ग्रुप वर्क के मेन है, मेन मतलब मेन कोर जो मॉडल है इन्हीं के है। रेसिप्रोकल मॉडल, सोशल गोल मॉडल, रेमेडियल मॉडल, ये सभी किसी और इनको 1996 में, 66 में, 1966 में दिया गया था इनके द्वारा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इसका आंसर, आपका मेटे क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स दी रिकॉर्डिंग्स मैन इवेंट आर रिकॉर्डेड इन, मतलब रिकॉर्डिंग जो की जाती है, तो जो मैन इवेंट होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, कौन सी रिकॉर्डिंग कहलाती है उसको ये बताना है। कौन सा रिकॉर्डिंग? प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, समरी रिकॉर्डिंग है, रोल रिकॉर्डिंग है, या फिर नैरेटिव रिकॉर्डिंग, जिसमें जो मेन इवेंट है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आप बताइए कौन सा इसका सही होगा, ये आंसर का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और बताइए आपके कितने टोटल सही हुए हैं और इसका क्या आंसर है, दोनों को एक साथ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे डिस्कशन। थैंक यू।